ग्रुप कलेक्ट्रेट में सोमवार को ईसाई समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर समाज के लोगों पर हो रहे हमले के विरोध में ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व डोंगरगढ़ में ईसाई समाज के आराध्य की मूर्ति को खंडित किया गया था। इसके अलावा प्रदेश भर में कई ईसाई विरोधी गतिविधियां लगातार की जा रही है, जिससे आक्रोशित ईसाई समाज प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा एवं असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ईसाई समाज के लोगों ने अपने विरोध प्रदर्शन के बारे में मीडिया को कुछ इस तरह से जानकारी दी। ये शांति रैली से हमने विरोध अपना रखा है, क्योंकि एक बहुत ही निंदनीय बात हो गई, क्योंकि इंटरनेशनल ये बात है ना, मूर्ति तोड़ना। हम ना तो किसी को गाली देते हैं, किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ाते, किसी को धर्म विशेष को हम बोलते नहीं है। किन लोगों ने इस हरकत को अंजाम दिया है, आज तक 16 दिन हो गया है, अभी तक पुलिस उसे नहीं पकड़ पाई। ये तो एकदम शर्मनाक बात है, जबकि इस संभाग के मुख्यमंत्री हैं और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ही ज्ञापन दिया है। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय राज्यपाल जी से, माननीय गृह मंत्री जी से कि प्लीज हमें बचा लो आप लोग। और क्योंकि हर संडे हमको यही सोचना पड़ता है कि चर्च है कि बाहर हम लोग रोके देखें, क्योंकि हर किसी चर्च में ये बात हो रही है। आज मूर्ति टूट गया, कल किसी हमारे पादरी साहब को मार दिए, कल किसी बहन को मार दे रहे हैं, हर जगह घटनाएं हो रही है, मगर क्यों अब तक साइलेंट है ना। मुख्यमंत्री साहब एक बात बोलते हैं, आज पूरे प्रदेश में 90 विधायक हैं, उनमें से 90% कांग्रेस के विधायक हैं, और कहती है कांग्रेस कि क्रिश्चियन कम्युनिटी कांग्रेस को वोट देती है। और क्या हम वोट बैंक है कांग्रेस के? अगर हम वोट बैंक हैं तो इनको बोलने का भी अधिकार होना चाहिए। हमारे लिए आज तक जब से घटनाएं हो रही है ना एक विधायक बोला है, ना पार्षद बोला है कांग्रेस का हमारे लिए, ना मुख्यमंत्री साहब बोले, ना गृह मंत्री साहब बोले, उनके हाथ के सामने ये हो रहा है। हम सबको जाके ज्ञापन दे रहे हैं, मगर अभी तक कोई भी रिप्लाई नहीं आया। हम माननीय पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, बोलते हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ कार्रवाई हुई है? अगर कार्रवाई होती, जो अपराधी हैं आज बाहर नहीं घूमते, आज जेल में रहते, वो अपराधी खुला घूम रहे, जबकि नॉन अवेलेबल धारा उनके ऊपर लगी हुई है, 295 लगी हुई है, घर में घुस के मारे हैं, उसमें धारा 34 लगी हुई है। जब एक घटना ऐसी है जो जीआरपी थाने के मामला है, उसमें तिरंगे को फेंक दिया गया और उस पर अभी तक कोई धारा नहीं लगी अपराधियों पे, जबकि नाम जाते वो अपराधी और घूम रहे खुला। आज भी, कल भी एक घटना घटी है रायपुर में, हर जगह वो घटना घटा रहे हैं, हर जगह घटना हो रही है, मगर अब तक अपराधी खुले में घूम रहे हैं। पता नहीं किसका श्रेय है उनके ऊपर, किसका कौन खेल रहा है उनके साथ, ये नहीं मालूम कि इसको षड्यंत्र पूर्वक इसको लाया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है, ये भी हमको नहीं मालूम। मगर हम निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, मुख्यमंत्री साहब से करते हैं, हमारे राज्यपाल साहब मैडम से करते हैं कि प्लीज हमें आप ही बचा सकते हैं और आप ही बचा लो। आज ईसाई धर्म खतरे में है, पूरा ईसाई धर्म खतरे में है। लोगों से भी ज़्यादा हम अपने दर्द व्यक्त करने के लिए हम आए हैं। रायपुर से लेकर डोंगरगढ़ तक के कृषि समुदाय के कई प्रतिनिधि लोग आए हैं। आज वर्किंग डे है, मौसम खराब है, फिर भी इतनी बड़ी तादाद में लोग क्यों आए दुर्ग कलेक्ट्रेट तक? क्योंकि हमारी बात है, जो पिछले 16 दिनों से हम लोग ज्ञापन पर ज्ञापन देते जा रहे हैं प्रशासन के लिए, कलेक्टरों के लिए, एसपी के लिए, मुख्यमंत्री के नाम से, लेकिन कोई कार्यवाही इस बात पर नहीं हो रही है। हमारे पूजनीय स्थल, हमारे तीर्थ स्थान डोंगरगढ़ का कलवारी पहाड़ पर प्रभु येसु मसीह का और माता मरियम का जो मूर्तियाँ करीब 50 सालों से वहाँ पर स्थापित है, उसको खंडित किया गया। बड़े अपवित्र कार्य वहाँ पर हुए हैं, उसके विरोध हम लोग ईसाई समुदाय कर रहे हैं, क्योंकि ये मूर्तियों को तोड़ने से भी ज़्यादा हमारे दिलों को तोड़ रहे हैं, हमारी आस्था को तोड़ रहे हैं, हमारी आपसी एकता और सद्भावना को तोड़ रहे हैं, और उस प्रकार हमारे शांतिपूर्ण माहौल को भी तोड़ रहे हैं। ये जो केवल हमारे मसीही विरोधी ही नहीं है, ये देशद्रोही है ये जो कार्य कर रहे हैं, इसलिए उन पर कार्यवाही करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव मिशनरी जो हमारे देश में है उसका है। हम लोगों को दुख इस बात की है कि हम लोग मांग करते हैं और हम लोग इस पर गर्व करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का पुलिस फोर्स काफ़ी सक्षम है, गुप्तचर विभाग काफ़ी सक्षम है, जल्द से जल्दी पूरे के पूरी जानकारियां हम एकत्र होते हैं। ये 16 दिनों के बाद एक व्यक्ति का सुराग लगाने में हमारा प्रशासन असफल रहा है, ये इनका दुर्बलता कहिए या फिर जानबूझकर उदासीनता कहिए। हमारे समाज के प्रति हमें लगता है कि शासन प्रशासन बहुत ही अन्याय कर रहे हैं, इसलिए आज के दिन हम लोग दुर्ग आए हैं ताकि कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय से मिलकर हम लोग इस दर्द को व्याप्त करें और उसके साथ साथ मांग करें हमारे पुण्य स्थलों की सुरक्षा की जाए।
तीर्थ स्थानों के लिए सुरक्षा का प्रबंध करे, हमारे पास्टरों और धर्म स्थलों की रक्षा की जाए, ये हमारा अधिकार है। हम कोई केवल कोई मेहरबानी के लिए मांगने नहीं आए हैं, हम भारत देश के नागरिक होने के नाते संविधान जो हक हमें देते हैं उसका हम मांग कर रहे हैं। धर्म की स्वतंत्रता, धर्म का पालन करने, धर्म का प्रचार करने का अधिकार हमें हमारे प्रशासन ने दिया है, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा, कोई समुदाय विशेष के द्वारा ना दी गई है इस बात को। इसलिए आज जब वो असफल हो रहा है, शासन प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है, तो हमें बहुत दुख होता है इस बात का। इसलिए आक्रोशित है समाज, और हम लोग डोंगरगढ़ में ही 16 दिन पहले SDM को ज्ञापन देते समय बताया था, हम लोग 10 दिन 2 सप्ताह तक रुकेंगे, यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है तो हम लोग हर जिला मुख्यालय में हम लोग इस प्रकार का कार्य करेंगे, और उसके बाद यदि देशीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करना पड़े तो हम लोग आके जागेंगे। इसलिए रायपुर में हो चुका है, दुर्ग में भी है, और आगे अन्य जिलों में भी एक कार्यवाही बस्तर में भी हो गया है और जारी रहेगा, जब तक शासन प्रशासन हमारी मांगों को पूर्ण करते हुए उपद्रवियों पर कार्यवाही नहीं करते, गिरफ्तार करके उन्हें निग्रह में नहीं डालते, हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हमने तो नहीं देखा है, क्योंकि हम लोग जो है इसमें जो है भिलाई दुर्ग के पूरे जितने भी कैथोलिक चर्चेस है, करीब 80 चर्च है, उसके पूरे प्रतिनिधि लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूरे फादर लोग उपस्थित हैं। दुर्ग डीजे में भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी है सर, इसमें हम लोग उपद्रवियों में से किसी को देखे नहीं है, लेकिन जैसा चड्डा जी ने वहां पर बताया था, ये इसका संदर्भ को जानना जांचना पुलिस की जिम्मेदारी है। हम लोग कैसे पकड़कर हाथ में पकड़ कर देना है, तो पुलिस प्रशासन किस काम का है, वह गुप्तचर विभाग है, उनका ढूंढने का उनके पास तंत्र है, और शासन प्रशासन जिस तरह आपने अभी फादर जी से पूछा, डोंगरगढ़ के आरोपियों को ढूंढने का काम प्रार्थियों का नहीं है, ये जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन का काम है। अगर पुलिस प्रशासन उसमें सक्षम नहीं है तो हमारे मसीह समाज को बोलते हैं सक्षम नहीं है तो हम ईश्वर से तरफ से उसको माफ करेंगे। बात रही दुर्ग जिले की बात है, और रायपुर में जैसे कल घटना हुई तो उसमें आरोपी तो पुलिस के सामने और आप मीडिया के सामने भी है, आप लोगों ने भी बहुत सारी न्यूजें ईसाई समाज के समर्थन में प्रकाशित की है, ज्योति शर्मा और उनके साथी है ना, तो उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल धाराएं लगी हैं, उसके बाद भी खुल्ला माम वो चुनौती दे रही है, मसीह समाज को चुनौती नहीं दे रही है, बड़े शर्म की बात है कि वो पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रही है, और पुलिस प्रशासन से मूर्ख दर्शन बन के बैठा हुआ है। हम ईसाई समाज को हर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये कांग्रेस सपोर्टर है, तो आज उस चक्कर राजनीति लाभ और एक वर्ग विशेष की राजनीति करने के उद्देश्य से मसीह समाज को टारगेट किया जा रहा है, और बड़े दुख का विषय मेरे बोलने में कोई संकोच नहीं हो रहा है कि जिस जिले में मुख्यमंत्री महोदय का घर है, जिस जिले में गृह मंत्री, जिस जिले में चौबे जी और वरिष्ठ नेताओं का घर है, और उस जिले के पुलिस निकम्मी है और गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये बड़े शर्म की बात है। कोई ईसाई धर्म गुरु दोषी है तो उसके ऊपर में कार्यवाही करने का अधिकार किसको है? पुलिस प्रशासन है, शासन है, उनका अधिकार है। किसी एक समुदाय, धर्म समुदाय का अधिकार नहीं है कि वो आकर के घुस करके धर्म स्थल में धर्म गुरुओं के ऊपर में हाथ उठाए। यदि वो दोषी है तो प्रशासन है, पुलिस है, वो कार्यवाही करेंगे। आप उनके पास जाइए, पुलिस बल आएगी, आकर के उनको गिरफ्तार करेगी, यदि दोषी है उनको सजाओगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये सही तरीके से इसका आंकलन किया जाए कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर में, धर्म गुरु के ऊपर में हाथ डालने से पहले प्रशासन के पास जाकर के वो शिकायत करे, प्रशासन अपना एक्शन लेगा।